अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हैशटैग सलमान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सब मीटर का नंबर है फ्रेंड्स वो है VC288। ठीक है, तो हम इसके ऊपर 10 एम्पेयर तक का जो सा लोड है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसके पीछे छोटा सा एक वेरिएबल लगा होता है, इसको मैं किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, इसके मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस मीटर से हमने इसके वोल्ट किस तरह चेक करने हैं और हमने कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है वो हमने किस तरह चेक करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3 वायर है इसकी। ठीक है, एक रेड, ब्लैक और येलो जो सी है। ब्लैक जो सी है इसकी नेगेटिव वायर होगी। ठीक है, तो इसके साथ जो सी है येलो और रेड जो सी है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि हमने ब्लैक और रेड को जो सा हमने लगाना है, जो सा हमने इसको इनपुट देनी है मीटर को ऑन करने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको ऑन करने के लिए मैक्सिमम 12.5 इनपुट दे सकते हैं और मिनिमम हम इसको 1.5 वोल्ट तक इसको सिर्फ मीटर ऑन करने के लिए हम दे सकते हैं। तो जब हम ये इसकी येलो और रेड वायर को आपस में लगाएंगे तो ये हमें इसके जो से वोल्ट है वो शो करेगी। इसके मेरे पास इसके 11 वोल्ट जो से वो आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस जो स्प्राई मेरे पास ये अडाप्टर है, ये 40 वोल्ट का अडाप्टर है, इसके हम वोल्ट जो से चेक करेंगे कि ये कितने वोल्ट इस टाइम ये मिल रहे हैं इस अडाप्टर से। ठीक है, तो मैं इसकी जो से इस अडाप्टर की जो सी पावर केबल इसको मैं 220 वोल्ट के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, तो इसकी जो सी आगे ये 2 आउटपुट वायर जो सी वायर है इसको मैं उस मीटर की जो सी एक ब्लैक वायर और एक येलो जो सी वायर है, ठीक, उसके साथ मैं लगा दूंगा इसको, तो फिर हमें ये इसका जो सी वोल्ट है वो बता देगा। तो मैंने इसकी जो सी पॉजिटिव वायर येलो उसको मैंने इसकी पॉजिटिव अडाप्टर के साथ लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो इसकी ब्लैक वायर है वो कॉमन होगी, तो वो मैंने इसके साथ लगा दी। इस टाइम 14.9 वोल्ट जो से ये हमें शो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह हम इसके किसी भी चीज़ के 100 वोल्ट तक जो सा हम वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एम्पेयर की बात करते हैं कि हमने अगर हमारे पास छोटी मोटर है डीसी की, हमने उसके एम्पेयर किस तरह चेक करने हैं। ठीक है, इसकी जब हम इसके साथ ये लगाते हैं इसका जो सा रेड और ब्लैक वाइट जो सी इन्होंने दी एम्पेयर के लिए, ठीक है, ये रेड और ब्लैक वाइट जो सी ये कॉमन होती है। ठीक है, तो इसके यानी अंदर से इनका कनेक्शन जो सा वो एक ही होता है। ठीक है, अब हमने ये जो सी डीसी मोटर है छोटी, इसके हमने जो से एम्पेयर चेक करने हैं। ठीक है, अगर हम इसके साथ रेड या ब्लैक भी लगा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नीचे से ये कॉमन वायर है। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैंने रेड वायर जो सी ये मोटर के साथ लगा दी है और दूसरी साइड से जो मैंने तो मीटर की जो सी है रेड और येलो वायर जो सी है वो मैं उसकी जो सी हमारी इनपुट आ रही पीछे से पॉजिटिव वायर उसके साथ लगा के, तो एक वायर जो सी मैं इन दोनों की जो सी इनको कॉमन करके मैं मोटर के साथ लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हमें जो सी मोटर के एम्पेयर बताएगी कि मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। ठीक है, जो सी ब्लैक वायर है मोटे वाली एम्पेयर वाली जो सी है वो रेड और वायर रेड और ब्लैक जो सी वायर वो दोनों कॉमन है। ठीक है, तो मैं अब तो फ्रेंड्स इसके कनेक्शन जो है मैंने पूरी डायग्राम मैंने इधर लगा दी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस इधर से भी आप देख कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो सी रेड और येलो वायर को मोटर के साथ लगाया मैंने। ठीक है, तो इसके अब वो एम्पेयर बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है मोटर, तो इसलिए ये उसके साथ लगाया मैंने ये इसको इसके जो से एम्पेयर बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो से ना हमारे पास जो सा कन्वर्टर होता है एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। ठीक है, इसके अंदर हम एम्पेयर भी का वेरिएबल लगा होता है और हमारे पास वोल्ट का भी वेरिएबल लगा होता है। ठीक है, तो हम दोनों को कनेक्ट करके एक अच्छी सी पावर सप्लाई बनाएंगे। ठीक है, जिसके साथ हम एम्पेयर भी कंट्रोल कर सकेंगे और हम वोल्ट भी कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं।